What a time to be alive. What a fantastic time. We live in a world which is changing continuously and relentlessly. हम सब एक ऐसी नदी में बह रहे हैं जो कल क्या मोड़ लेगी उसका किसी को अंदाजा नहीं। जैसे बच्चे ने कहा कभी इसने सोचा ही नहीं था कि कभी ये एक कमरे में बैठेगा जहां पर कंप्यूटर से घिरा हो और एक पूरी की पूरी फिल्म जो है एक स्टूडियो 60x60 स्टूडियो में बना देगा जहां आपने इमेजेस देखे ट्रेन है चलती है स्टेशन है स्नो लैंडस्केप्स है क्या नहीं है ये इमेजेस सोच के हम बहुत ही मिडिल क्लास माहौल में पले बने हैं जहां पर हम लोकेशन के बारे में 10 मरतबा सोचते थे उसका कॉस्ट क्या है कितना बड़ा होगा और ये जो इमेजेस थी ये रईसों की जागीर थी बड़े लोगों की जागीर थी जिनके पास बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे मगर टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट डेवलपर शायद विक्रम को याद होगा कि हमारे सेट पे जब रेस्टोरेंट की शूटिंग पर टिम कुक आए थे एप्पल के सीईओ उन्होंने ऐसे आईफोन को उठा के कहा था ऐसे दिस इज द टूल दैट विल चेंज द वर्ल्ड नाउ यू कैन मेक मूवीज डिस्ट्रीब्यूट मूवीज कंज्यूम मूवीज ऑन दिस एनीबडी हु हैज आइडियाज कैन नाउ मेक अ मूवी एंड रीच पीपल आज आप सड़कों में चलते हैं जब आप देखते हैं कि आप जो लड़का सड़क साफ कर रहा है उसके पास भी मोबाइल है स्मार्टफोन है अपने घर वालों से वो वीडियो कॉल कर रहा है तो लगता है कि दुनिया में कहीं पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुई ऐसा कुछ किया है बच्चे ने और सतीश भाई ने आगे बढ़कर अपने विजनरी होने का सबूत दिया है क्योंकि मेरा मानना यह है कि जीनियस वो नहीं होता है जो एक पहिया बनाता है जीनियस वो होता है जो बाकी तीन पहिए जोड़ता है इन्होंने आगे तीन पहिए जोड़े हैं और जब जाके हमारा एक वर्चुअल स्टूडियो जो है बनने वाला है फर्स्ट और ये क्रांति ही है ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है क्योंकि हमने सफर शुरू किया था 70s मिचेल का जमाना था लाइट्स को ले जाने के लिए मजदूर उठाते थे हेवी इक्विपमेंट लेकर पहाड़ों पे जाते थे दोहर टूट जाती थी मगर आज ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये संभव है कि स्टोरी टेलिंग नाउ कैन बिकम अवेलेबल टू एवरीबॉडी एंड दैट इज व्हाट द रियल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इज हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसके जरिए रीजनल सिनेमा के हमारे क्रिएटर्स हैं फिल्म मेकर्स हैं जिनका बहुत मीगर बजट होता है पंजाबी फिल्म मेकर्स हो बंगाली फिल्म मेकर्स हो ओडिया फिल्म इंडस्ट्री को उनके कोने कोने से जिसके पास बहुत ही मॉडरेट बजट है और जिसने जिसके जहन में वो सपने तो हैं कि ऐसे इमेजेस हों मगर पैसे नहीं है वो आए हमारे पास ओटीटी का कॉन्टेंट क्रिएट करना है आप टेलीविजन का कॉन्टेंट क्रिएट करना है एवरी थिंग इज पॉसिबल और ये हुआ कब सबसे भयानक मोड़ पे हम जब आए जब कोविड ने घेरा और बिल्कुल लगता था बस या तो हम पाताल में जाएंगे या शायद एक दिन और जी पाएंगे ऐसे में बच्चे ने जुर्रत करके अपने आप एक कदम उठाया और एक ऐसी दिशा में चल दिया जहां से उसने अनरियल इंजन और ये वर्चुअल रियलिटी की दुनिया पर एक्सप्लोर किया इससे जुदा होके भी हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डेमोन्स्ट्रेशन का एक सबूत है एंड हिंदुस्तान की आवाम ने इसको सराहा है
कोई मजाक में बोल दे कि साहब ये अनरियल इंजन का ये शॉट जो है अनरियल है, आपके मतभेद हो सकते हैं कंटेंट को लेकर, हर पिक्चर के बारे में होता है, मगर जो आम हिंदुस्तानी है या जो सोफिस्टिकेटेड हिंदुस्तानी भी है वो ये देखती ही नहीं बोलता कि ये लोकेशन पे शूटिंग नहीं हुई, हालांकि हम 60x60 के सेट से भारी नहीं है, ये अपने आप में रहस्य है। ऐसे गरीब आदमी सोच नहीं सकता था कि कभी वो अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पे सोकर रात को अपनी माँ से या अपने पति से या अपनी पत्नी से बातचीत कर सकते। टेक्नोलॉजी इज मेड इट पॉसिबल। तो मेरा ये मानना है कि the times are fascinating times and there are few things which I would like to say is that हम सब जानते हैं कि बिजनेस, सिनेमा का बिजनेस श्रिंक हो गया है। जी भाई जो लासरूट से वाकिफ हैं वो कहते हैं कि साहब पट साहब कल तक अगर आपको 2 महीने पहले 100 रुपये मिलता था आपको अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, तो आप इसका 15% मिलता है। बिजनेस जो है श्रिंक हो गया है, द इकॉनमी इज इन डोल्ड्रम्स। ऐसे में हमको स्मॉल बजट फिल्म बनानी है तो आपको कोई जरिया अपनाना पड़ेगा जिससे आप स्मॉल लगे नहीं टाइम ऑफ एज, क्योंकि एज ऑफ इमेज मेकिंग और टाइम पावर्टी की एक बहुत बड़ी मार है। अगर हम सब किसी चीज से लड़ रहे हैं वो वक्त की हीनता है। आपकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप अपना ये कंटेंट जो है यहां कैप्चर करके भेजें, हमारी भी यही प्रॉब्लम होती है। टाइम पावर्टी से सारे विश्व में सब के सब पॉलिटिशियन से लेकर एंटरटेनर से लेकर मीडिया हाउसेस सब जो हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। अटेंशन इकोनॉमी में हम इमेजेस के जरिए ही लोगों तक पहुंच पाएंगे कि बच्चा आया उसने मुझे आके उस दिन समझाया कि सर कहानियां तो एक जरिया होती हैं लोगों को बांधने का, मगर लोग आएंगे तभी सिनेमा हॉल में जब वो स्पेक्टेकल देखेंगे। और सतीश भाई ने कल मुझे चौंका दिया, उसने कहा कि भैया अब हमारी जो है सोच बड़ी हो जानी चाहिए, एक विराट स्वरूप दिखाए। उन्होंने कहा कि 9000 सिनेमा हॉल्स को क्यों टारगेट करें, विश्व में 1.5 लाख सिनेमा हॉल हैं, हम बनाएंगे वर्ल्ड बेस्ट लुकिंग कंटेंट और भेजेंगे, स्पेन में भेजेंगे, पोर्चुगल में भेजेंगे, हम क्यों सिर्फ 9000 सिनेमा तक अपने आप को सीमित रखें। कहीं पर जरूरत कोविड के दौर से गुजर के कुछ लोगों के विजन ने के अंदर एक जरूरत पैदा हुई है और ये टेक्नोलॉजी की सहायता से एक लीप लिया गया है जो आपको हमारे स्टूडियो में हम प्रोवाइड करेंगे, स्किल्स टू क्रिएट फॉर योर फिल्म। अगर आप बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो ये विक्रम का दावा है कि 40% कॉस्ट कम कर देगा, 40% बहुत पैसा होता है। और जो ये सोचता है कि साहब नहीं मेरे पास बड़ा स्टार है मैं तो सोच ही नहीं सकता, तो उसको हम बोलते हैं भाई आप तू अपना कंसेप्शन दिखा, हम बना के दिखाते हैं कि तू भी वही दिखा सकता है जो बड़े स्टार के साथ में आप दिखा सकते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल टू एवरीबडी इन माई कंट्री द लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि जो रोशनी राजा पे चमकती है वो भिखारी भी वैसी चमकती, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसी तरह टेक्नोलॉजी का जब फायदा होता है तो सबको होता है, इट डजंट क्रिएट अ प्रिविलेज्ड क्लास। तो आई वुड से अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड डेमोक्रेटाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। और खिलौने जो हम बना रहे हैं यह अंग्रेजी में भी बनेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में। और जैसे सतीश जी कह रहे थे 9000 के सिनेमा तक हॉल से आप सीमित नहीं रखेंगे, खेल हमारे 1.5 लाख, तो खेल बदल गया। दिस इज एन एज ऑफ न्यू सन्स, नए सूरजों का जमाना है। एक सूरज नहीं, कुछ अजीब अजीब जगह से सूरज निकल रहे हैं। और हम अगर चेंज अवर्स को, अगर हम चेंज और परिवर्तन से अपना दामन बचाते हैं तो हम चूक जाएंगे। ये कुछ जरूरत करके हमसे कुछ हो गया है, वक्त ने हमसे करवाया है। कहते हैं इसलिए कि सबसे बुरा वक्त होता है वो कभी कभी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है।
हमने जब अपनी जिंदगी में मुड़ के देखा तो हमको भी ये लगा कि जब बहुत जमीन हुए, जब गिरे पड़े, तभी कुछ जागा हमारे अंदर। तो ये बिल्कुल पहुंच ही गया था कगार पे बिल्कुल, और ऐसा लगा कि गिरा और गिरते गिरते पंख इसके निकल आया और ये उड़ रहा है। और आज हम आपके साथ में ये शेयर करने आए हैं कि वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी कैन प्रोवाइड द एंटायर फिलामेंटस ऑल द स्किल्स दैट वी हैव मास्टर्ड, जुदा होके भी हमने जो स्किल हमने लर्न की, हमने भी पेड वेरी हैवी, ये 14 घंटे 18 घंटे काम करता, वो सारी लर्निंग एक्सपीरियंस अवेलेबल टू द इंडस्ट्री। क्योंकि रोशनी अगर सिर्फ मेरे घर तक है तो वो रोशनी नहीं है, उसका फायदा आपके घर में भी, उसको आपके घर में भी स्पिल होती है। सो दिस इज व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट, एंड आई फील दैट के the virtual technology is a win-win situation for everyone. And finally, I think Vikram is telling me I have covered it because he wrote down these points to me that I shouldn't miss anything. But एक ही बात मैं कहूँगा कि क्रांति जब घटती है तो कोई बैंड बाजा नहीं बजता, अरे 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 ऐसे ही वक्त करवट देता है और बात बदल जाती है। एक दिन सडनली इंटरनेट आ गया हमारी जिंदगी, and everything changed. So we are all, hum sab, irrespective of the business we belong to, we are all flowing in a river of time which is changing relentlessly and continuously. Aur aise mein humne entertainment ke kshetra mein ek unreal engine aur LED ki technology ko master kiya hai, main kahunga Tariq ke saath mein छाती ठोक के कहूंगा मार्केट किया है। क्योंकि हम गरीब बैकग्राउंड से आए हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता था, हम ओवरशूट नहीं करते थे, हम शॉर्ट्स एक्सेसिवली नहीं लेते थे, हम स्टोरी टेलिंग जो है स्टोरी बोर्डिंग के बगैर अपने जहन में करते थे, हमारा रॉ फुटेज वेस्ट नहीं होता था। जब स्टोरी टेलर और फिल्म मेकर जिसके पास 35 साल का सफर हो और जिसके सर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो 50 साल का सफर तय करके आया है और जिसके पास ऐसा विजनरी हो जो जरूरत करके बोलता है कि अपनी विजन को छोटा क्यों करते हो, हम विदेशियों को नया लाएंगे। जैसे हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया के कोने कोने में उनकी जो जो जो, जो पहचान है सब सल्यूट करते हैं। नारायण मूर्ति इंफोसिस की मूवमेंट 6 लोगों के साथ शुरू होती पूना में। This is the revolution that we have created. मगर क्या है कि अंधों के शहर में आईना बेचने दिख रहे हैं। बस आईना एक मर्तबा देख तो समझ आ जाएगा कि ये आपके फायदे की बात है, सबके फायदे की बात है। क्योंकि फायदा सिर्फ अगर आपका हो तो वो एक डिवाइडेड वर्ल्ड क्रिएट करता है, एंड इफ you can benefit from his learning, then it's a better world we create. Thank you very much. Thank you. Thank you. Boss ने भी छोड़ा नहीं actually मेरे लिए, लेकिन मुझे को line याद आती है गांधी फिल्म की कि जब गांधी जी का देहांत हुआ था तो किसी ने कहा था कि generations to come will scarce believe that such a man in flesh and blood would walk upon this earth. तो मैं ये कहूँगा कि आज का दिन आप लोग सब याद रखिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आप जरूर कहेंगे कि जब पहली वर्चुअल वर्ल्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब हम थे वहाँ पे, और आज का दिन ऐसा है। जैसे बॉस ने कहा कि हम तो शहर में आईना बेचने चले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से उनको आंखें आ जाए, क्योंकि हम क्या कुछ नहीं कर सकते इसमें मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने एक और जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी जुदा होते भी, और मैंने बॉस से कहा कि एक स्टूडियो में शूट करूंगा बॉस, तो बॉस ने कहा पहले उत्तराखंड की पिक्चर है तो पूरी वाली में बना रहा है। मैंने कहा <गा, laughs>
नहीं, पहले दिन तो बॉस ने आके कहा कि शॉट क्यों नहीं ले रहा है, तू शॉट ले, शॉट क्यों नहीं ले रहा। पहले दिन में कुछ गड़बड़ हो गई, ये एडी साला चल नहीं रहा है। फेल हो गया था पहले। फेल हो गया, मैंने कहा कि ये भैंस पानी में, और बॉस कहे शॉट ले, कितने बजे शॉट लेगा। मैंने कहा आज तक कम कर देते बॉस, कल से शुरू करते हैं, ये टेंशन बर्दाश्त नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हमने शुरू की, ट्रेन भी ले आए, प्लेन भी ले आए, कार चेस भी की, स्नो भी किया, सब कुछ किया, पहाड़ भी दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमने लोगों को दिखाया तो लोगों ने कहा इसमें डीआई तो बाकी है ना, इसमें डीआई करना है ना। तो मैंने सतीश भाई से कहा सतीश भाई डीआई करके दिखा देना। तो डीआई करके देखा लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यार ये तो रिलीज नहीं हुआ ना पिक्चर में, ये रिलीज बड़े पर्दे पर कैसे लगता है ये बताइए। तो सतीश भाई ने कहा देखो ये जुदा होके भी जो है ना इसको थिएटर में रिलीज कर। तो मैंने कहा कि सतीश भाई इसको ना हमने लॉकडाउन के टाइम बनाई थी एक्चुअली सैटेलाइट डिजिटल के लिए, ओटीटी के लिए। तो इन्होंने कहा कि जब तक तुम थिएटर में रिलीज नहीं करोगे ना लोग मानेंगे, लोगों को यकीन नहीं होगा, शेयर मारना पड़ता है। तो पिक्चर का बिजनेस बिजनेस भूल जाओ, यही अपना आरएनडी है, तुम लगा दो। उसके लिए शेयर नहीं चाहिए, लगा दिया सतीश भाई ने पिक्चर को। अब ये आज जो है ना एक यूनिक सक्सेस पार्टी है, क्योंकि एक आदमी ने ऐसा नहीं कहा कि ये वर्चुअल सा है क्या, ये पहाड़ रियल नहीं है, ये गाड़ी कुछ फेक है, किसने नहीं कहा। तो अब हमने सारी जो इम्तिहान थे सारे दे दिए, पिक्चर को ले गए थिएटर तक, वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल प्रोडक्शन का हमने अल्टीमेट टेस्ट दे दिया और पास कर दिया। और आज यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग ये टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि ये आपका काम है। अगर ये आपके लिए, आप हमारे लिए करेंगे तो लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुँचेगी, छोटे फिल्म वालों की तरक्की होगी, बड़े फिल्म वाले पैसे बचाएंगे। और जैसे बॉस ने कहा खिलौने को हम इंग्लिश में भी बना रहे हैं, तो सिर्फ चाइनीज फिल्म जो है आज इंटरनेशनल फिल्मों का मुकाबला करती है, कोरियन फिल्म मुकाबला करती है, हम क्यों ना करें। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमारा एवेंजर क्यों ना हो भाई, हमारे पास भी तो शक्तिमान है, उनके पास अगर कोई है तो वो क्यों ना उड़े हवा में। तो बस उसी को पंख देने के लिए टेक्नोलॉजी बनी है, और अब जो है टेक्नोलॉजी ने उड़ान भर ली है। तो हम यही खुशी आज आपके लिए शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सक्सेस के लिए? और अब तीन पहिया लगाने वाले, तीन पहिया कुल मिला के ये इंडस्ट्रीज का दायरा बड़ा कर देगी, बॉलीवुड इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का दायरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज कर दिया। इस टेक्नोलॉजी के कारण हम ग्लोबल के इंप्लेंट हो गए। 1920 मेरी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, और सुनील दादा क्या है अभी ये जो फिल्म है वो मेरी बेटी डायरेक्ट कर रही है। अजीब बात यह है कि जब पहले पहले मेरी बेटी ने इंटरेस्ट जाहिर किया फिल्मों का और मेरे साथ आने लगी, तो वो 1920 फिल्म थी जो मैंने डायरेक्ट की थी 2008 में, और बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखती थी कि ये क्या हो रहा है, हॉरर सीन में बहुत डरती थी, और आज अभी लोगों को डराने का काम कर रही है, मुझे भी डराती है। तो स्पेशल फिल्म है, और ये हम वंस अगेन वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं शूट। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ इन्होंने, जो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर है, बहुत बड़ी एक्शन फिल्म। और आज ये मेरा दावा है कि ये एक्शन फिल्म सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों का मुकाबला करेगी वर्ल्ड वाइड, इसलिए हम लोग उसको रिलीज करना है। तो जैसे बॉस ने कहा, एक बड़ी अच्छी लाइन है
द स्टार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ विस्पर. सो प्लीज लिसन टू द विस्पर टुडे बिकॉज़ यू आर द फर्स्ट पीपल टू लिसन टू दिस विस्पर. थैंक यू. थैंक यू. मैं आपको समझाता हूँ जिस टेक्निक के बारे में आप बात कर रही हैं. एंड रोटोस्कोपी इज 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 जस्ट यू नो कार्विंग आउट इमेजेस. ये सब पूरी काम कर रहा था. वर्चुअल वर्ल्ड एक 3D वर्ल्ड है ना. अभी आप ये सोचिए कि ये जो टेबल है उस पर मैंने एक मॉडल बनाया. एक मॉडल है जिसमें पहाड़ भी है, छोटे घर है, एक ट्रेन है, सपना है. और अब मैंने इतने छोटे कैमरा से वो मॉडल के अंदर चला गया और अब मैं अपने एक्टरों को इसमें लेकर ये बोल चुके. ये फर्क सिर्फ इतना है कि टेबल पे नहीं है, कंप्यूटर के अंदर. तो इट इज नॉट rotoscoping. It is not a unit, it's just an engine. I mean, it's a software. So, ये माया नहीं है, ये blender नहीं है, ये it is not that. This is an engine. It's not a software. And it is going to revolutionize the world. जैसे cell phone आया था, तो अगर आप देखें तो पहले cell phone सिर्फ phone करते थे, उसमें text भी नहीं करते थे. फिर text आया. पहले पेजर यूज करते थे फोन के साथ, उसके बाद पेजर का बैकअप हो गया, फिर सिर्फ फोन था, फिर टेक्स्ट करने लगे, फिर व्हाट्सएप करने लगे, फिर एक ब्लैकबेरी का एक दौर चला था जहाँ पे आप ब्लैकबेरी यूज करते थे. ब्लैकबेरी वाले कहते थे व्हाट्सएप नहीं करेंगे, सब व्हाट्सएप पे आ गए, ब्लैकबेरी चला गया. इसी तरह मैं आपको आई टेल यू एन एग्जाम्पल. एक दौर था जो बॉस और मैंने देखा है, जब हम एक्चुअल फिल्म पे काम करते, फिल्म को टच करके काम करते. तो एक इंसिडेंट है कि मैं और एक मेरा दोस्त था जो एक असिस्टेंट एडिटर था, जो मेरे साथ स्वामन गुरु के टाइम से था. तो मैंने उसको कहा चल मैं तेरे को दिखाता हूँ कुछ कमाल आया. अब वो बेचारा फिल्म काटता था, तो उसने देखा एक फिल्म एडिटिंग मशीन है. तो मैंने एडिटर को कहा यहाँ से यहाँ कट कर दे, तो उसने कट कर दिया. तो वो चौक के उड़ गया, बोलता वो बीच का पोर्शन किधर गया. मैंने बोला मतलब, बोला वो जो हमने काटा वो फिल्म गया किधर. मैंने बोला वो मशीन के अंदर ही है. बोला लेकिन किधर है, मेरे को दिख नहीं रहा है. क्योंकि वो इतना यूजफुल था काटने के लिए कि उसको लगा कहीं गिरा हो. उसको ये नहीं समझ में आया कि ये डिजिटाइज हो गया. इसी तरह आपको इसको समझना पड़ेगा, ये एक नई चीज. अगर आप इसको पुराने मेजर से देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. लेकिन इतना सिंपल है, जैसे मैंने आपको ये मॉडल के बारे में, किसका ट्रेन है भाई, इतना ही सिंपल है. इसमें सब लोग कर पाएंगे इसको, क्योंकि जैसे ये कैमरा है दादा. तो आज सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या हमारी कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कैमरा को कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे ही अनरियल इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोड्यूसर कौन है. अगर पहाड़ चाहिए तो वो पहाड़ यशराज को भी देगा, धर्मा को भी देगा, कोई छोटे प्रोड्यूसर को भी देगा, सबको देगा वो पार्ट. ये है और उसके पैसे नहीं लगते. विक्रम एक सवाल पूछते हैं, यू हैव इन्वेंटेड दिस वंडरफुल टेक्नोलॉजी. नॉट इन्वेंटेड, दिस इज कॉमन. यू आर नॉट पेटेंटिंग आल्सो? नो नो, इट्स जैसे आई हैव स्टडीड द ऑडियो विजुअल. इट इज मेड बाय, इट इज ऑलरेडी यूज्ड बाय मैंडलोरियन. But I want to say something to all of you all, and we should be very proud as Indians. And I would wish that Hamlok Sir is cut and dura, because
जब होके भी इसका फर्स्ट फिल्म इन द वर्ल्ड तो ये एंटायरली मेड हो चुकी फर्स्ट फिल्म इन द वर्ल्ड हम लोगों ने मतलब बैटमैन ने जो भी बैटमैन जो थॉर ने बहुत सी फिल्मों ने पोर्शंस किए लेकिन टू शूट द वन फिल्म एंटायरली इन वर्चुअल वर्ल्ड आज इज द फर्स्ट फिल्म And as Indians, we should be proud and say this to the world that we beat everybody. When I saw something wonderful, I couldn't tell. Himanshu told me that it's a short film in one single Borivali location. I couldn't believe it. 160 by 60. One, see, the train that you saw has been created inside the train. The sun that you saw that was coming through the trees is inside the train. The car that comes and stops in front of the house is inside the people. It's all there. All you need is to go there and claim it. Since you are the first person, can I put it this way, in India to make this complete film in this technology. In spite of that, how you are so selfless enough to allow others to make in future, you could have kept the full rights within yourself and not let anyone make this kind of Technology is like air. You can't grab it. You can't grab it. And if you grab it, you are stopping the flow of life. You know, you cannot stop the flow of life. And any director or any filmmaker who does not go out and help other filmmakers and his colleagues is not really a storyteller. Because storytellers are always selfless. Storytellers live for other people. Yeah, hi, this is Suhail. It's like copyrighting the sunlight. You can't copyright sunlight. Charging, sorry? You'll be charging some fee for doing for the other people. How much do we? But that is, see, it's like this. Let me explain to you. Say you want an airport. To shoot at an airport, you have to pay a deposit. And it is, I'm told that it is something like 2 lakhs an hour. Correct? Yeah. If I'm giving you an airport at the cost of a mud island bungalow, is that charging for it or is that discounting the airport? This line. You deserve it. Yes. I'm not saying come to me if you want to make, if you don't want great visuals, if you don't want your film to look big, if you want to shoot outside, please do. But if you want to rise to the level of an international film, you need minimum production time. Hi, this is Suhail over here from Mission Bollywood. Bahut bahut congratulations for this. Ek adbhut duniya hai, can say. जुदा होके भी यू नो बीइंग अ फर्स्ट वर्चुअल एंटायर फिल्म लेजेंड पूरी है तो उसको वो लेवल का यू नो उसको यू नो लोगों तक क्यों नहीं लेकर आ गया बिकॉज़ दिस इज एज यू सेड लाइक दिस इज द फर्स्ट इन इंडिया यू कैन से तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट ओके ये उस तक जिस तरह से ये पहुंचना चाहिए था थ्रू आउट द कंट्री और इवन द एंटायर वर्ल्ड उस तरह से वो पहुंचा नहीं है तो आई थिंक बहुत से लोगों को यहाँ के जहाँ के रूम में बैठे उनको भी ये बात पता नहीं होगा बीइंग फ्रॉम अ मीडिया आई टेल यू व्हाट इज द रीजन फॉर इट माय फादर इज अ डीओपी प्रवीण भाई तो एक दिन छोटा था मैं तो एक दिन उनसे नाराज हो गया मैंने कहा पापा सब कैमरामैन यहाँ वहाँ से लाइट देते हैं और सब उनकी तारीफ करते हैं आप एकदम सिंपल शूटिंग करते हैं आप भी कुछ ऐसा कीजिए टेढ़ा मेढ़ा तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा जब ऑडियंस बोले ना क्या शॉट है तो वो कैमरामैन की हार है क्योंकि दैट मीन्स द कैमरामैन इज टेकिंग अवे फ्रॉम द स्टोरी यू शुड नेवर टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी द स्टोरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉट यू सिमिलरली अगर हम लोग ऑडियंस को कहते रिलीज से पहले ठीक है वर्चुअल वर्ल्ड है सब लोग देखिए तो वर्चुअल वर्ल्ड का पूरा जो इम्पोर्टेंस है वही खत्म कर दिया हम तो आपको ये कहना चाहते थे ये रियल वर्ल्ड है
अब अगर आप कह दिया कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है तो आप तो रियल वर्ल्ड कैसे समझेंगे उसको? इसलिए तो ये हमारा टेस्ट था, हमने चुपचाप रिलीज कर दिया। इसके पहले जो मीडिया इंटरेक्शन थे उसमें हमने बात की वर्चुअल वर्ल्ड की, लेकिन ऐसा नहीं किया। हम लोग ये रिलीज के पहले करना था, लेकिन मैंने सतीश जी से कहा मत करें, लोगों को पिक्चर देखने दीजिए एक स्टोरी की तरह, और फिर अगर वो लोग बोले कि ये फेक लग रहा है तो हमें सोचना चाहिए। तो अगर पहले से ही मैजिशियन ने बोल दिया कि अभी मैं ट्रिक दिखाने वाला हूँ, ट्रिक दिखाने वाला हूँ, और ये ट्रिक ऐसे होती है, और फिर आपको मैजिक दिखाया तो क्या मतलब हुआ? विक्रम जी, मुझे और एक जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आती है तो वहाँ पर यू नो जहाँ पर हमारी ये इंडस्ट्री जहाँ पर लाखों लोग यू नो काम करते हैं, यू नो इज इट रियली गोइंग टू अफेक्ट देम आल्सो? डेफिनेटली कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो मैन पावर कम हो जाते हैं, इट्स अ गुड साइड मतलब ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, क्योंकि ये मिक्स्ड रियलिटी, पीछे एलईडी स्क्रीन है, आगे सेट्स हैं, तो आपको सेट्स बनाने पड़ेंगे, सेट्स के लिए सेटिंग होता है। तो मैं तो कहूंगा कि अभी जो सेटिंग होता है उसके पास काम करो, क्योंकि आप बंगले में जाके शूट करते हैं, आप अब्रॉड जाके शूट करते हैं, जहां सब्सिडी मिलती है वहां जाके शूट करते हैं। इस तरह आप अपने इंडस्ट्री में शूट करते हैं, लाइट तो चाहिए, लाइट मैन आएंगे, स्टूडियो तो चाहिए, स्टूडियो चले, सेटिंग वर्कर्स तो चाहिए, वो भी आएंगे। तो बल्कि हम तो कह रहे हैं कि हम बॉम्बे की शूटिंग बॉम्बे में करेंगे और न्यूयॉर्क की भी बॉम्बे में करेंगे, वरना सब लंदन में ही तो चले जाते हैं। आज कौन सी फिल्म लंदन में शूट नहीं होती, सब वहीं पर बैठे हुए हैं क्योंकि वहां सब्सिडी मिलती है, वरना फिर यूपी चले जाते हैं। विशेष फिल्म यू नो बहुत वक्त हो गया, लंबा वक्त हो गया, कोई फिल्म नहीं आई मेरे पास, तो लगता है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड को लेकर इन विशेष फिल्म से भी यू नो देयर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग्स विच विल बी कमिंग आउट, एनी प्लान? या डेफिनेटली तो यही विशेष है, यही विशेष है, रात की बात करते हैं। सर और सब जानता है तू, मतलब बहुत खुशी की बात है, नारा मंडी जा रहे हैं जरा पहुंचने का, अब आया हूं पहाड़ के नीचे। मैं एक ही बात करना चाहता हूं, विक्रम की बात एक दूसरे की, एक बहुत ही हाई प्लेस ऑफिशियल के एक के, उन्होंने हमें ऑफर दिया कि साहब आप आइए, हम आपको बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव टर्म्स देंगे, आप आके यहाँ शूटिंग कीजिए, हमारा जो स्प्लेंडर है, हमारे डेजर्ट्स हैं, हमारे ये हैं। उन्होंने कहा जरा अपने माइंड को रिकैलिब्रेट कीजिए, उस जमाने चले गए, हम बॉलीवुड में बना देंगे सर। तो वो चौंक गया। ये विक्रम ने कहा कि जो एक वर्कफोर्स को प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर कि हमारे चंद टेक्नीशियन और की आर्टिस्ट को लेके आप बाहर चले जाते थे शूटिंग वहाँ होती थी, अब जब हम यहाँ शूटिंग करेंगे, अभी यहाँ हमारा स्टूडियो बनेगा तो हमारा वर्कफोर्स जो है तो काम करेगा। और बाकी आपका जो सवाल है, बड़ा घसा पीटा पुराना सवाल है, जो बहुत खोल चुका हूँ तो उस पर मैं जवाब नहीं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सॉरी, कि 1 अगस्त को हमारा स्टूडियो ओपन हो रहा है, स्टूडियो वर्चुअल वर्ल्ड, 4 बड़े फ्लोर्स हैं, नहीं सर में 4 बड़े फ्लोर्स होंगे, 4 बड़ी एलईडी सिस्टम्स होंगे, अपने को जाना है देख सकते हैं, एट वन टाइम 4 फिल्म्स कैन शूट साइमल्टेनियसली, एंड दिस इज सतीश भाई ड्रीम। हम करते हैं ना, हम करते हैं, सतीश भाई ने अकेले मेरी मदद के बगैर, मैं खुदा होकर भी बिजी था, उन्होंने ये स्टूडियो खड़ा किया है जो कि
बड़ी बड़ी फिल्मों से लेकर छोटी छोटी फिल्में को वहाँ प्रोड्यूस हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म सवाल है, टेक्निकल सवाल है सर, जैसे तो इफ कॉन्सेप्ट पे यू बी वर्किंग ऑन द मूवी है, मूवी का एक स्टोरी लाइन आपके पास आता है और उसके ऊपर आप हाउ मेनी डेज एंड हाउ द प्रोजेक्ट यू वर्क ऑन दैट। तो देखिए स्टोरी लाइन पे है, अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो बनाना मुश्किल नहीं होता, कुछ तो एसेट्स मिल भी जाते हैं हमें, जैसे आपकी एक मॉडर्न सिटी की कहानी है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी बेटी जो बना रही है 1920, तो उसे चाहिए था एक गाने के लिए, क्योंकि 1920 में गेटवे ऑफ इंडिया बन था और ताजमहल होटल बन, तो शी सेड पापा आई वांट टू शूट अ सीन व्हेन ताजमहल होटल इज बीइंग मेड एंड ताजमहल गेटवे ऑफ इंडिया इज बीइंग मेड एंड ताजमहल होटल इज देयर। मैंने कहा कि बेटा मेरे को एक आधा अधूरा सा गेटवे ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा इसलिए, या बट इट्स वर्चुअल ना, तो हमने एक्चुअली बनाया है, बंद करना है, इट्स द फर्स्ट टाइम यू विल सी द गेटवे ऑफ इंडिया इज बीइंग मेड, इट्स हाफ मेड, बैंबू बैंबू लगे हुए हैं, आज मैं होटल पास और सामने लक्सीन चल रहा है, दिस इज द पावर ऑफ अंडर एंड। तो अगर ऐसी कोई चीज है जो आपके लिए then you have to make it, otherwise अगर आपको पहाड़ चाहिए, रास्ते चाहिए, पेड़ वेड़ चाहिए, फल चाहिए, तो वो तो है ही, that is not a problem, so it depends on the concept that how much, how many man hours are you going to use of the technician to create that world। तो मैंने सुना है कि इसमें इवन हीरो या हीरोइन अगर आपको चाहिए, अगर मेबी बहुत एक बड़ा स्टार है कुछ ऐसे शॉट्स हैं जहाँ पे एक्टर्स को मैंने एनिमेट किया, एक्टर्स थे ही नहीं। मेटा ह्यूमन इज द लेटेस्ट अनरियल एंजिन थिंग, ऑल यू नीड इज अ पिक्चर ऑफ द एक्टर एंड यू कैन पुट इट ऑन द मेटा ह्यूमन एंड यू डोंट नीड द एक्टर फॉर द वाइड शॉट। इट्स हैपनिंग माय फ्रेंड। कहानी तो आपको ही बनानी पड़ेगी, इंसान का दिल बनाता है कहानियां, हाँ वो कहानियां यहाँ रहती है। तो जब आप कहते हैं कि कितनी लैंग्वेज में बन सकता है, हजारों में बन सकता है, मगर कहानी ऐसी होनी चाहिए जो हजारों के पास जाए, ये टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, ये कहानी कर सकती है, लेकिन डबिंग होता है, डबिंग नहीं, नॉट रियली, अब डब तो कोई भी फिल्म को कर सकता है, जो एक्चुअल में बनी है वो भी फिल्म डब हो सकती है, किसी भी फिल्म को डब कर सकते हैं आप, वर्चुअली बनी फिल्मों से पर डबिंग से कोई लेना देना नहीं। Well, it deals with one of the major menace of which has been the albatross down the neck of man, which is human trafficking. And I think we have not yet woken up to the enormity of the problem and how everybody who is a somebody is involved to encourage and perpetuate this human trafficking, where human beings are trafficked for profit, for pleasure. Human being has become a toy, khilona, khilone attacks. Jab insaan ki aubad ek khilone ki ho jati hai. Ek bahut hi moving kahani hai of a girl who is in the heart of that problem and how she grapples, exposes, and deals with it and gives you a kind of a fairy tale ending, but tells you that this is the end of this story, but the problem is still there. Just because I have fought one battle and won it, that doesn't mean the war is over. The war is going on. I think it was one of the very, very important film. That's why Vikram is making it, is also making it in English, and
as Satish ji said, we are not going to restrict our gaze to 9,000. We're going to increase it to 1.5 lakh theaters. We will reach with our technology and our ability to tell stories to Dada Jurat karke bade sapne dekhne ki. Let us have outrageous dreams. Dreams jo hai, sapne bhi agar chote dekhe to dream day. A visionary and a dreamer. A dreamer just dreams. I have on my right and on my left two people who have given those dreams form. They have birthed those dreams in actual reality. He has created Jula Hokeji in the worst time of human history, COVID, and he has had the vision to see our first communication and come and say, I will back this vision because it is not only good for India, but it is going to be global. So thanks to these two gentlemen, one on my left and the other right, that we are boasting about what we have. When you take, when you have the information given to the audience in advance that this is a virtual shot, like especially songs, shots and locations. So when they are watching it, if you don't let them hear, they will probably enjoy it more. But if you share with them in advance that this is done virtually, back of their mind, they know that this is done in a virtual the process. So do you think it might affect the audience because they might feel that, oh, this is not, they have actually not gone on location, it was studio mein hua hai. You know, will it snatch away the authentic reality of an actual location? See, right now we are talking about virtual reality. Lekin jab ye daur aur bhi chalega, aur bhi filmein banengi in virtual world, तो हर आदमी तो वर्चुअल रियलिटी नहीं बोलेगा। अभी हम सब जानते हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स होता है, कभी खराब होता है तो हम कहते हैं ये थोड़ा खराब है, लेकिन जानते तो हैं, लेकिन फिर भी फिल्म एंजॉय करते हैं। आज आप एवेंजर्स देखते हैं या कोई भी अंग्रेजी फिल्म देखते हैं तो आप जानते हैं ना कि ये जो मार रहा है ये स्पेशल इफेक्ट है। 2012 में अगर पूरी दुनिया तहस नहस हो रही है और पूरा न्यूयॉर्क सिटी नीचे गिर रहा है तो आप ये तो थोड़ी मानते हैं कि ये एक्चुअली क्या होगा, क्या कि न्यूयॉर्क को उड़ाया होगा, तो आप जानते हैं स्पेशल इफेक्ट है। बट व्हाई डू यू बाय इट? यू बाय इट बिकॉज़ योर स्टोरी टेल्स यू बाय इट। दिस इज द स्टोरी, एलियंस हैव कम और उन्होंने अटैक किया न्यूयॉर्क पे और अभी हमको बचाना है, सो बाय इट। यू से ओके आई बाय इट। तो ये है पावर स्टोरी टेलिंग। So I will say that virtual production is the greatest tool of storytelling. You know, somebody told me something very important when Abbott came. जब Abbott ने प्रवेश किया था हमारे लैंडस्केप में और स्क्रीन पे एडिटिंग होती थी। South में उसका एक सेमिनार था and the Abbott manufacturers had come to South India to talk about the importance of Abbott. क्योंकि Abbott को उस दौर में उस नजर से देखा जाता था कि ऐसे वो आके लोगों की रोजी छीन लेगा और लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और ये तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी। वो अमेरिकन था, उसने कहा था टेक्नोलॉजी नो मतलब टेक्नोलॉजी समथिंग दैट बॉर्न आफ्टर यू, समथिंग दैट बॉर्न आफ्टर यू कॉल द टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे बच्चे जब पैदा हो रहे थे तो वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कभी एक जमाना था जब आपके पास टेलीविजन नहीं था या सेल फोन नहीं था। They can't imagine of a world like that. This is a technology which is birthed now, this post-COVID technology. But in a matter of time, this generation will be born 10 years from now, 5 years from now. They will say this is a privileged currency that we will use. मगर हमको इस तरह हमारे माँ बाप जो है फोन के बात करते थे हेलो जोर से आवाज पहुंच रही है। तो जैसे आई डोंट यूज माई सेल्फ फोन एज इफेक्टिवली
and as brilliantly as Alia does or Shaheen does or Kubera does. They are so brilliant, the body language is kind of stitched to it. I think Vikram is a person whose body has taken to the Unreal Engine and to this technology. And I, as a story content creator, am his support system to create the story fuel while he is immersed fully in the technological leaps that we need to be taking. That's the marriage we have. आपको आजादी देता है तो फिल्म डायरेक्टर आजादी कितनी महसूस की थी आपने, क्योंकि आपने ऑन सेट भी की है, और तो ये आजादी का कितना आपको जो है एहसास हो रहा है? आजादी का एहसास तो आज हो रहा है, क्योंकि जब ये सफर शुरू किया था तब तो बैंड बजी हुई, क्योंकि लगा कि अगर ये फेल हुआ ना तो गए काम से। रात रात भर जागते थे, लोगों को शॉट भेज के बोलते नींद है कि ये रियल है कि नहीं। कभी कभी जवाब आता था अरे ये तो बड़ा एनिमेशन लगता है, फिर वापस काम करते थे। तो आज हम ही नहीं मानते थे, हाँ और लोग डराते भी थे यार आउटडोर चले जाओ। विजनरी जो है बहुत तनाव चलता है, बड़ा तनाव चल रहा है। मुझे याद है कि मिक्सिंग के टाइम पे 6 नंबर की रील थी, उसका पूरा जो है काम हुआ नहीं था, ऑडियो नहीं आ रहा सर माइक। तो 6 नंबर की रील थी, उसको मिक्स किया, ये शूटिंग करता था वहां पर काम करता था, तो मुझे भेजना था जाकर भट्ट साहब आप जाकर मिक्सिंग कर लीजिए, फिर मैं आके देख लूंगा जो अगर कुछ करना हो तो मैं गया 5 नंबर तक, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत करेक्ट थी, बिल्कुल आंखों को भी देख थी, मैं और मेरे एसोसिएट शूटिंग था, हम लोग गए 6 नंबर देखने के लिए और जान निकल गई। मैंने बोला ये तो जितना समा बना था वो तो बर्बाद हो गया बिल्कुल, और संडे का दिन था, मुझे लगा कि अभी ये जाके वहाँ पर आराम से देखेंगे फिल्म, और मिक्सिंग में थोड़ा सा हम अपना रोग झाड़ेंगे, विक्रम को बोलेंगे अच्छा है चलाएंगे, वहाँ से फिर हम भागे पूरी बड़ी यहाँ ये काम कर रहे थे। जब तक इसने दिखाया नहीं कि क्या पक रहा है और वो इमेजेस वहाँ भेजे नहीं, तब तक मुझे भी यकीन नहीं हुआ। तो घर में भी आप एक स्ट्रेंजर की तरह चलते हैं, जो विजनरी होता है ना वो बहुत तनाव चलता है। तो आई एम सेइंग कि दिस इज जर्नी ऑफ अ विजनरी, जरा लुक एट दिस यंग मैन इन फ्रंट ऑफ यू, गाल उसके सफेद हो गए होंगे बट मेरे कंपेयर में तो यंग है वो, इसने कुछ कमाली कर दिया है ये, आज नहीं कल यकीन होगा आपको उस पर। और विक्रम भट्ट साहब की कौन सी फिल्म आप वर्चुअली रीमेक करना चाहते हैं? यार तुम बस भट्ट साहब को 10 मिनट ऑफ हिस्ट्री में खत्म कर दीजिए ना, बीजू पोस्ट जे के जे एच के वी की बात कर रहे हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि भट्ट साहब की कोई भी फिल्म रीमेक नहीं करेगी, क्योंकि जो भट्ट साहब कर सकते हैं वो सिर्फ भट्ट साहब करते हैं, और उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो you can't repaint Mona Lisa, you should just let it be and try to make your own Mona Lisa if you can. So I think that should probably answer your question. Thank you. लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी होगी या कुछ कुछ ऐसी हर टेक्नोलॉजी में रहती है कुछ लिमिटेशन है या लिमिटेशन ये है कि लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन जो है वही लिमिटेशन।